हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पंडित। सो आज सैटरडे और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हमारा मैटरनिटी फोटो शूट है और मिसेस पंडित सी इज गेटिंग रेडी फॉर दैट शूट। क्या? यस, आज सुबह 8 बज रहे हैं। इतना सुबह मैं कभी उठती नहीं हूँ, बट इसके लिए इसे उठना पड़ा। आज फोटो शूट है, बहुत एक्साइटेड है। बादाम खा रही हूं। और बादाम खाते खाते मैं बस अपना काम कर रही हूँ। सुबह इतना भूख लगा लेकिन मैं बोली कि मैं तो अभी पहले रेडी होने बैठ जाती, उसके बाद खाऊंगी। बिना खाए पिए बादाम वगैरह रेडी करके, मेरे मम्मी पापा आए हैं तो वो लोग सब बादाम वगैरह रेडी करके दिए हैं। खाते खाते भी मैं कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, वो आदमी कभी भी आ सकता है। 8:30 बोला है ना, अभी 8 बज रहा है। 8 बज गया है तो और मैं वो आ जाएगा, तो रेडी भी होना है। और इतना बड़ा ड्रेस है वो पहनने में मुझे मतलब लगेगा टाइम अच्छा खासा, वो भी दो ड्रेस। तो ये रहा हमारा चाय, अभी चाय पियेंगे। चाय और थोड़ा बिस्किट है, बिस्किट खाएंगे। जल्दी से खा लो नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, क्योंकि एक बार हम शूट के लिए निकल गए तो विल नॉट गेट टाइम। Photography is going on and see, Mrs. Pandit is here. So see, between the photo shoot, she is having something. She is hungry, right? Me and this baby Pandit as well. It's kicking. Because it's also hungry. He is also excited. Mm. Right? Photo shoot is going on. It's too much airy man outside. Pura mera baal idhar udhar ho ja raha hai. But we are ready for the second shoot with a different dress. Second dress. Yes. I'm already tired but you know, trying my level best. Lekin acha hai, barish nahi ho rahi. Yeah, that is good thing. We are scared about that only. See this view man, cloud, and here we are doing this shooting. See this view, wow, it's looking beautiful, right? Good evening guys, पूरा नींद वींद मार के अभी उठे हैं, शाम के 7 बज रहे हैं। इवनिंग वीकेंड इवनिंग वी लाइक दिस ओनली, वी लाइक दिस। एंड बैंगलोर में बहुत बारिश हो रही थी, बहुत तूफान हो रहा था एंड हम तो खाना खाने के बाद स्ट्रेट सो गए थे। बहुत एग्जॉस्टेड लग रहा था, पूरा सुबह से तो शूट में बिजी थे। फिर दोपहर का शूट सोचे आप लोगों के साथ शेयर करें, लेकिन इतना भूख लग गया था, सबको ही बहुत यू नो लेट खाए एंड उसके बाद तो स्ट्रेट अवे स्लीपिंग। अभी भी बहुत लोग सो रहे हैं रूम में, मतलब घर में मेरे मम्मी पापा आए हैं। अब कोई किसी को दिखाया भी नहीं, सब इतना शाई है, कोई आ ही नहीं रहे, लेकिन मैं दिखाऊंगी सबको। एंड एज यूजुअल मैं और मिस्टर पंडित उठ गए हैं एंड चाय पीने का टाइम हो गया। वहाँ पे चाय बन रहा है, चाय बनाने के बाद, चाय पी लेने के बाद लग रहा है थोड़ा सा आँख खुलेगा, थोड़ा सा आँख खुलेगा। मिस्टर पंडित का भी हालत देखिए, मेरे आंखों में ठंड लग गई है। यहाँ पे ठंड लगा है तो आंख थोड़ा फुला अभी, हुआ अभी है। लोग बोलेंगे कि क्या आंखों में भी ठंड लगती है? ना लगती है, तो लग गई है। यही जीता जागता मिसाल है आंखों में ठंड लगने का। बड़ा मिसाल हूँ मैं। नहीं, ऐसा हुआ है पहले भी तुम्हें? अब मेरे मतलब जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाता है तो ऐसा होता है। और बैंगलोर में भी ठंड बढ़ गया है। बहुत ठंड है बैंगलोर में, तो काफी ठंड है। एंड कल भी शूट है, आज शूट थोड़ा सा हाफ हुआ है क्योंकि शी वाज नॉट फीलिंग वेल। आई वाज नॉट फीलिंग वेल एंड आल्सो बहुत मतलब ये हो रहा था, क्या बोले, हवा दे रहा था, जिसके वजह से हो नहीं पा रहा था ठीक से शूट, राइट। तो इसके लिए कल भी ये लोग करने का मतलब बोले, जो फोटोग्राफर है वो बहुत काफी अच्छा आदमी है, तो उसके बाद पूरा शूट कंप्लीट होगा। ये चाय बन रही है यहाँ पे, देखिए कितना हरा भरा चाय पत्ती है। और मेरे लिए दूध है ये, क्योंकि मैं दूध पीऊंगी, मतलब वुमेन्स हॉर्लिक्स, मदर्स हॉर्लिक्स, नॉट वुमेन्स हॉर्लिक्स। ये जब बॉयल होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि गैस में
गिर जाता है तो फट जाता है पूरा साफ करते करते। मैं अपना दूध लेके आ गई, तुम्हारा चाय नहीं लाई। क्यों? मुझे भी चाहिए। तुम्हारी सासू माँ लेके आ रही है। ओह अच्छा। आई वाज वेटिंग फॉर टी। लेके आ रही है। बाप रे कैसा लग रहा है आज। लग रहा है बहुत काम करके उठे हैं। बहुत एग्जॉस्टेड फील हो रहा ना। बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ सबर का फल मीठा होना चाहिए। तो नहीं सबर का नहीं, मेहनत का फल मीठा होना चाहिए। यहाँ पे मेहनत ज्यादा ये होगा। अच्छा। सुबह 7 बजे उठ के रेडी वेडी होके पूरा जो दिन भर शूट वूट किए तो उसका जो फोटोज आया बहुत अच्छा है। अभी एडिटिंग उसका अभी एडिटिंग बाकी है, लेकिन रॉ फोटोज ही बहुत अच्छा है। रॉ फोटोज अच्छा लिया था, बहुत अच्छा लिया। और कल भी बाकी है तो कल भी फिर से मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें। 50% हुआ है बोल सकते हैं आप, तो 50% और बाकी है, उसके बाद अच्छा लगेगा। एक एक करके हमारा जो चेकलिस्ट है कंप्लीट हो रहा है। अभी चेकलिस्ट होगा, बुलावा आएगा तो हॉस्पिटल से। सबसे बड़ा जो मेजर वर्क है वही हॉस्पिटल का बैग तुम्हें रेडी करना भी। हाँ अभी माँ आ गई है तो मैं माँ को ही बोलूंगी कि हॉस्पिटल का बैग रेडी कर दो। बस एकदम फ्री है। फ्री नहीं मतलब मैं रहूंगी, मैं देख लूंगी क्या क्या है कहाँ है नहीं है। तो हॉस्पिटल में मैं तो अकेली नहीं रहूंगी, और ऑफ कोर्स मैं तो मुझे पता होने से ज्यादा माँ को पता होना चाहिए कि कहाँ क्या रखे हैं। हाँ। क्योंकि मैं तो एकदम ऐसे रहूंगी पूरा पता होके भी कुछ निकाल नहीं सकती बैग से। हाँ। और मिस्टर पंडित को तो ज्यादा पता होना चाहिए क्योंकि रात को ये मेरे साथ रुकने वाले हैं। अरे मुझे सब पता रहेगा। खराटे लेके सोने के लिए बैग में अब ट्रेजर हंट करेंगे। ट्रेजर हंट। हाँ और क्या। चाय मिल गया। Oh बस चाय पाने का एक्साइटमेंट में क्या ये हो रहा है। बस ज्यादा नहीं, जो बहुत ज्यादा अच्छे से घर का काम कर सकते हैं उन लोगों के हाथ ही ये सब होता है। थैंक यू, आई कैन डू दैट। हेलो बोलो माँ। हेलो बोलो। हेलो हेलो बोलो। हेलो ये लोग मेरे मम्मी पापा हैं और ये लोग आए हैं खुशखबरी के लिए और सब मिलके अभी चाय पार्टी हो रहा है। यस क्योंकि इंडियन फैमिली टिपिकली चाय के बिना तो अधूरे हैं और यहाँ पे टीवी चल रहा है, बंगाली सीरियल। हाँ सब एक साथ मिलके चाय पीते हैं और मैं तो यहाँ पे दूध पी रही हूँ। और ये है मेरी बहन कौथा बाल। हेलो। और ये अभी सो रही थी, इसको जोर से उठा के उठो उठो चाय पीना है तब जाके ये उठी है, क्योंकि ये कुछ ना काम करके भी टायर्ड हो जाती है। ठीक है ये इसका स्पेशलिटी है मिस्टर पंडित के जैसे। अच्छा मेरा भी है क्या? नहीं मेरा मैं तो बहुत काम करता हूँ तब जाकर के होता है कुछ इसीलिए कुछ नहीं वो तो मतलब अभी कहीं बाहर भी जाने का इसको इच्छा नहीं करता। मैं बोल रहा था अभी वॉक करने चलो, वो भी नहीं। कल से ये वे लोग ये बोल रहे हैं कि वॉक करने चलो वॉक करने चलो, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं है नीचे जाके वॉक करेंगे। यहाँ पे ठंडा इतना ज्यादा है और कोलकाता में इतना गर्मी है कि वहां से यहाँ पे आने के बाद इन लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगा। तो टाइम हम दिए हैं। ठंडा लग रहा है सबसे ज्यादा शौक में ये है। क्या हुआ तबीयत कैसा लग रहा है? तो अभी थोड़ा सा खराब है, थोड़ा डाउन फुल ऑन डाउन लग रहा है। कल फोटो शूट कर पाओगे? पता नहीं, करना तो पड़ेगा क्योंकि वो खुद ही बोला कि फिर से आएगा फोटो शूट करवाएगा। आज तो मेरे तबीयत के वजह से ही हुआ नहीं, पूरा फुल नहीं हुआ। करना पड़ेगा, ड्रेस भी सॉर्ट आउट कर दिए हैं। एक अच्छी बात है कि कल वो मतलब एक तो वो जो मैटरनिटी ड्रेस है उसके थ्रू भी होगा और एक वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी होगा। वो ऑफर दिया है, वो ऑफर दिया है तो वो हमारे स्विमिंग पूल के साथ बहुत अच्छे से जाएगा। वो अभी जल्दी से सो जाना है एंड मैं बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। डिनर हो गया है एंड अभी झट से सोना है बस। अब बस अब सोना ही है क्योंकि हमारे फ्रेंड्स सोचते हैं कि डेली ये लोग व्लॉग बस इस बैकग्राउंड में एंड करता है, क्योंकि हम सोते हैं तभी व्लॉग बंद होता है, नहीं तो मतलब पहले हम लोग क्या करते थे ना, लाइक जब मैसेज एंड ऑल का जो टाइम था उस टाइम डेली सबको गुड नाइट का हम लोग SMS करते थे। उस टाइम व्हाट्सएप एंड ऑल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उसी टाइप का हम बेड पे आ गए। अब अगेन
गुड नाइट, गुड नाइट। कल फिर से एक नया व्लॉग के साथ हम लोग के साथ मुलाकात होगा। yes. सब तक एंड आप लोग बताइएगा कि आज का जो हम लोग शूटिंग वगैरह कर रहे थे तो उसमें पिक्स अभी शेयर नहीं किया, पिक्स अगर हम बाद में शेयर करेंगे तो वो कैसा लग रहा था हमारा ये सोसाइटी एंड ऑल का व्यू कैसा लग रहा था। और अच्छा मतलब थोड़ा बहुत जो आप वीडियो देख पाए जैसे कि हम शॉर्ट्स एंड ऑल, उसमें भी आपको अंदाजा लग गया होगा कि कैसा लग रहा है। हाँ मुझे पता है कि इससे भी बेटर हो सकता था लेकिन हमें बहुत पसंद आया। राइट, क्योंकि बाहर जाने से बेटर है कि हम अपने सोसाइटी के अंदर ये हमारा व्यू एंड ऑल ऑलरेडी हमारे पास है। जैसे मेरा तबीयत आज थोड़ा खराब हो गया, मैं झट से अगर बाहर कहीं जाती तो मुश्किल हो जाता, मुश्किल हो जाता ना वहाँ से। यही सब सोच करके हम लोग, हमारा डिसीजन सही था। हाँ तो आप लोग भी अपना थॉट्स एंड व्यूज शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। प्लीज हमारे ब्लॉग्स को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज हमारे ब्लॉग्स को शेयर कीजिए। जो ब्लॉग लवर्स हैं उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमारा रीच और ज्यादा पहुंचे। करेक्ट, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, बाय, टेक केयर।